नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव और स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो में, जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। तो रुक करते हैं खबरों का। बलिया में अग्निपथ के विरोध में फूकी ट्रेनें, पुलिस ने लाठी चार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। अश्लील कमेंट मामले में आशीष खरे को मिली जमानत। गर्ल्स हॉस्टल के शावर में हिडन कैमरा लगाने के मामले में था आरोपी। मेरठ में बिजली की लाइन में फंसा ट्रक, सरसावा के सिकंदराबाद ट्रक में ले जाया जा रहा था बड़ा ट्रांसफॉर्मर। मथुरा के दो मंदिरों को मिला भोग प्रमाण पत्र, स्कॉन और प्रेम मंदिर को मिला प्रमाण पत्र। पीलीभीत में हाईवे किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी कार, 3 लोगों की मौत। कानपुर में कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स का छापा, फर्जी बिलिंग से टैक्स चोरी की आशंका। बिजनौर में भाई ने भाई को मारी गोली, एक हफ्ते से चल रहा था जमीन बंटवारे का विवाद, गर्दन के पास धसी गोली। दबंगों ने मंदिर के पास खोला सुअर पालन केंद्र, गोंडा में ग्रामीणों ने आक्रोश, प्रदर्शन कर फार्म हाउस हटवाने की मांग। देवरिया में कोविड इलाज के लिए 18 को होगा अभ्यास, कोरोना के मरीज बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बरेली में फंदे से लटकता मिला भजन गायिका का शव, 9 महीने पहले शादीशुदा युवक से की थी लव मैरिज, दूसरे समुदाय का था पति। सीतापुर के स्कूल में असलाह लहराने के मामले में प्रबंधक पर केस, पीटने का भी आरोप। कन्नौज जिले में अग्निपथ के विरोध में शरारती तत्वों ने एक्सप्रेसवे पर ज्वाले ईंट पत्थर, आधे घंटे प्रभावित रहा आवागमन। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बवाल, जाम के बाद युवाओं ने किया वाहनों पर पथराव, मच गया अफरा तफरी। पूर्व विधायक सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने अर्जी की खारिज। अरल्य अध्यक्ष जयंत चौधरी का ऐलान, वापस ले अग्निपथ योजना, नहीं तो शनिवार को पूरे यूपी में विरोध प्रदर्शन। गोकशी के 2 आरोपी नोएडा पुलिस के मुठभेड़ में घायल, 3 पकड़े गए। नसिमानंद गिरी की किए गए नजरबंद, नूपुर शर्मा का किया था समर्थन। बांदा में मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर भाई से विवाद, गुस्से में बहन ने लगा ली फांसी। राहुल गांधी के समर्थन में धरने पर बैठेंगे कांग्रेसी, बोले प्रयागराज शहर अध्यक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी को फंसाना चाहती। प्रियंका गांधी की मांग, अग्निपथ स्कीम तुरंत वापस लीजिए, 24 घंटे भी नहीं बीते सरकार को नई आर्मी भर्ती का नियम बदलना पड़ा। जौनपुर में अग्निवीर भर्ती को लेकर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी कर किया चक्का जाम। प्रयागराज हिंसा पर सबसे बड़ा सवाल, प्रयागराज में मास्टरमाइंड जावेद समेत 4 को पुलिस ने 9 जून को किया था पाबंद, फिर कैसे भड़की हिंसा। आजमगढ़ में मनोज तिवारी ने कहा, राजनीतिक कारणों से हो रहा है अग्निपथ योजना का विरोध। गोरखपुर में युवाओं ने अग्निपथ स्कीम के विरोध में किया जाम, बोले धोखा है हमारे साथ। सीतापुर में पीएससी जवान का कमरे में मिला शव, 2 दिनों से ड्यूटी पर, कार्यालय नहीं पहुंचा था जवान। यूपी में विरोध के बीच सीएम योगी ने दिया अग्निवीर के लिए नौकरी की सुरक्षा का आश्वासन। अग्निपथ पर वाराणसी में बवाल, कहीं पत्थरबाजी तो कहीं तोड़फोड़ कर प्रदर्शन। हरदोई में फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहा शिक्षक बर्खास्त, तो फेक दिव्यांगता प्रमाण पत्र से मिली थी नौकरी। ललितपुर में भाजपा पार्षद जगभान कुशवाहा की संपत्ति कुर्क, 2 करोड़ 12 लाख 9,000
चार्ल्स की अल चचर। दो साल में दो मातृत्व अवकाश ले सकती है महिला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, कहा लाभ ना देना कानून के खिलाफ। अलीगढ़ में पत्नी के गैर मर्द से अवैध संबंध होने की वजह से पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। प्रदेश के अलीगढ़ गौशाला में गौ सेवा के साथ साथ निर्धन कन्याओं की शादी का उठाया जुम्मा। अमेठी के भादर के बाद अमेठी में भी शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने प्रदर्शनकारी युवाओं को समझाया। युवा हाथ में तिरंगा को लेकर रेलवे स्टेशन पर कर रहे हैं प्रदर्शन, युवाओं ने अमेठी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के रेलवे ट्रैक को किया जाम। स्थानीय पुलिस समेत जीआरपी आरपीएफ पुलिस के हाथ पांव फूले, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल है मौजूद। अमेठी में अघोषित बिजली कटौती को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन, विद्युत उपकेंद्र का किया घेराव। औरैया में जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन दिखा मुस्तैद, प्रदेश सरकार के निर्देश पर सभी जगह में अलर्ट। अग्निपथ योजना बवाल को देखते हुए चंदौली जिला प्रशासन अलर्ट, आरपीएफ जीआरपीएफ पुलिस बल के साथ डीडीयू जंक्शन की सुरक्षा का लिया जायजा। देवरिया में सेना भर्ती को लेकर भारी संख्या में युवाओं का उग्र प्रदर्शन, एसपी युवाओं को समझाने के लिए दौड़ते नजर आए। बेटे को आरोपी ने कार से रौंदा मौत, आरोपी ने दरोगा की बंदूक से पिता की जान से मारने की दी धमकी। हरदोई में तमंचे के बल पर सराफा व्यापारी से लूट, बदमाशों ने ज्वेलरी से भरा बैग लूट कर हुए फरार। लूट की घटना से क्षेत्र में मचा हड़कंप, पुलिस ने लूट का मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुटी। मैनपुरी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही, मुठभेड़ में 25,000 का इनामी माफिया गिरफ्तार। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अभियान जारी, मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश गिरफ्तार। रायबरेली में भी अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे युवा, गांधी चौराहे पर सैकड़ों युवाओं ने अग्निपथ योजना का किया विरोध। लखनऊ स्थित पीजीआई में बिजली गुल, ओपीडी पंजीकरण भी हुआ ठप। गाजियाबाद में रैपिड रेल का सबसे बड़ा स्टील पुल स्थापित, 150 मीटर लंबे इस पुल का है वजन 32,000 किलो। चल मुरादाबाद उपद्रव का कनाडा कनेक्शन, ठीक उपद्रव वाले दिन कनाडा से सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ मुरादाबाद का गुरुद्वारा प्रकरण। अलीगढ़ में ट्विटर पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाला कोचिंग संचालक भेजा गया सलाखों के पीछे। अग्निपथ पर मथुरा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। बुलंदशहर में अग्निपथ के विरोध में रोडवेज में तोड़फोड़, आधा दर्जन से अधिक युवा। कौशाम्बी पैदल कलेक्ट्रेट जा रहे ग्रामीणों को पुलिस की चेतावनी, रास्ते बंद होने की शिकायत करने जा रहे थे ग्रामीण। आगरा एसटीएफ ने हाई प्रोफाइल ठग को किया अरेस्ट, जो महिलाओं को सस्ती ज्वेलरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। फतेहपुर पुलिस लाइन में योगाभ्यास, एसपी बोले योग से मानसिक और शारीरिक रूप से रहते हैं स्वस्थ। ड्रोन की निगरानी में पढ़ी गई नमाज, प्रयागराज के अटाला मस्जिद का ताला नहीं खोला गया। अग्निपथ योजना के विरोध की आशंका, रेलवे स्टेशन पर बढ़ी सुरक्षा, मुजफ्फरनगर एसएसपी ने अधीनस्थों के साथ किया स्टेशन का निरीक्षण। टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है अग्निपथ का विद्रोह, कानपुर में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विरोधियों की साजिश एक बार फिर नाकाम होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा स्टूडेंट के कंधे पर बंदूक रखकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अयोध्या में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा केंद्र सरकार विपक्ष के खिलाफ सीबीआई और ईडी का कर रही है दुरुपयोग। गौतम बुद्ध नगर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर लगाया जाम।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केंद्र सरकार का फूका पुतला। अग्निपथ स्कीम के विरोध में छात्रों ने लगाया सरकार विरोधी नारे। छात्रों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हमला, बोले तानाशाही कर रही सरकार। अब बागपत के बरनावा आश्रम में राम रहीम का डेरा, रेप की सजा काट रहा बाबा पैरोल पर। फिरोजाबाद में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का कर रहे विरोध। अग्निपथ स्कीम में किसी के बहकावे पर न आए युवा नूपुर शर्मा, मामले में चुप्पी साधे गए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कानपुर देहात में युवाओं का अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन, बोले विधायक और सांसद की पेंशन काटे सरकार। पुलिस को चकमा देकर युवा पहुंचे लालपुर स्टेशन, अधिकारी समझाते रहे और नहीं माने युवा। अग्निपथ के विरोध में उन्नाव में युवाओं ने फूका ग्राउंड, दौड़ लगाकर जताया विरोध। पुलिस ने बाइक रैली को रोका, युवा बोले वापस ली जाए ये स्कीम। रायबरेली में कांग्रेसियों से पुलिस की झड़प, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। मरासगंज में अग्निपथ के विरोध में सड़क पर उतरे युवा, जुलूस निकाल कर किया प्रदर्शन। कासगंज में ट्रैक्टर के नीचे दबकर युवक की मौत, नील गाय के सामने आने से हुआ बड़ा हादसा। आईडी के खिलाफ हल्ला बोल, कहा प्रवर्तन निदेशालय सरकार के इशारे पर चल रहा है। कन्नौज में बाग में पेड़ से लटकता मिला किसान का शव, मोबाइल चोरी के आरोप पे हुई थी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के 75 बड़े जिलों से 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस